Now we come to the next paragraph or next uh, turning point, I should say, in this story. After so much of sounds from waterfall, from coal burning, from uh, uh, know, furnace and everything, and also chirping of birds and other kinds of sounds, this man manages to reach the spot. Very close to the iron smiths. So, the next paragraph is about the incident there. It was probably on account of that noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. Furnace, Matlab? जिसमें लोहे को पिघलाया जाता है अंटिल मतलब जब तक ऑन अकाउंट ऑफ मतलब के कारण ऑन अकाउंट ऑफ मींस के कारण के कारण नॉइज मने श्योर यह संभवतः प्रोबेबली मने संभवतः यह संभवतः इस बहुत तरह के शोर के कारण था कि लोहार ब्लैक स्मिथ का ध्यान रैड ट्रैपर पर नहीं गया जो कि उसके बहुत पास तक पहुंच गया था गेट खोलकर अंटिल ही ओपन द गेट एंड एंटर्ड द फोर्च वो जो इलाका है जहां पर काम हो रहा था वहां जब तक नहीं पहुंच गया तब तक ब्लैक स्मिथ को इसलिए नहीं सुनाई दिया क्योंकि चारों ओर शोर हो रहा था और टिल ही स्टूड अप टू द फर्नेस और बिल्कुल फर्नेस के पास खड़ा हो गया। दूसरे शब्दों में शोरगुल बहुत था और उसी शोरगुल का परिणाम था कि इसके बिल्कुल पास पहुंचने तक लोहार को पता नहीं लगा कि कोई आके खड़ा हुआ है शोरली इट वॉज नथिंग अनयूजल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट

पुअ भेगा बॉन्ड बॉन्ड मतलब जो लोग घुमक्कड़ लोग रहते हैं उनको बॉन्ड बोलते हैं तो ऐसे जो गरीब घुमक्कड़ लोग रहते हैं गरीब लोग रहते हैं घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ इनका उस फोर्ज के पास आना रात में शरण लेना और फोर्ज की ओर आकर्षित होना और कैसे आकर्षित होना बाय द ग्लो ऑफ लाइट लाइट की चमक से जब लोहा पिघलता है तो पिघलते हुए लोहे की रोशनी चारों तरफ जाती है और वो जो लाइट है वो कहाँ से दिखाई देती थी विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेंस सूट मैंने होता है काजल काजल जो लगाते हैं उसको सूट बोलते हैं सूटी पेंस मतलब कांच के जो खिड़कियों में लगे रहते हैं उसे ग्लास पेन बोलते हैं द ग्लास पेंस वेयर सूटी वाई वेयर दे सूटी बिकॉज ऑफ़ द स्मोक कमिंग फ्रॉम द फरनेस लगातार जो धुआँ फरनेस से आ रहा था उससे ग्लास पेन में काजल जैसा काला हो गया था और वो काले ग्लास पेन से जो प्रकाश दिखाई देता था ग्लो ऑफ लाइट वो लोगों को ऐसे वैगाबाउंड लोगों ऐसे घुमक लोगों को आकर्षित करती थी ताकि वो वहाँ रात में शरण लें और थोड़ी गर्मी मिले ठंडक से राहत मिले बहुत लंबा वाक्य है द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली जो लोहार था टू ग्लैंस मैंने देखना सरसरी नजर से देखना ग्लैंस मतलब सरसरी नजर से देखना तो द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली उन्होंने सरसरी नजर से कैजुअली देखा किसको ये रैट ट्रैप मैन को उसकी तरफ एक नजर आया था घुमा दी एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर और इनडिफरेंटली रहे मतलब एक तरीके से अनदेखी करते हुए इनडिफरेंट रहना मतलब आ, कुछ प्रतिक्रिया नहीं करना उन्होंने उसको देखा कैजुअली काम कर रहे थे अपने लोहार का लोहा पिघल रहा है गर्म हो रहा है कोयला डाल रहे हैं बहुत सारी गतिविधियां चलती रहती हैं उसमें लोहार लोग व्यस्त थे जब उन्होंने देखा अरे कोई पास आया तो वैसे ऐसा देखे और फिर अपने वापस काम में लग गए दे कैजुअली नॉट सीरियसली एंड इनडिफरेंटली मतलब एक तरीके से उसके प्रति इनडिफरेंट रहे उसके प्रति उन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया ही लुग एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर इंट्रूडर मतलब क्या होता है इंट्रूडर मतलब होता है घुसपैठिया कौन था घुसपैठिया रैट ट्रैप सेल्स मैन रैड ट्रैप बिगर रैट ट्रैप रैग मैन वॉज इंट्रूडर जो घुस गया था इंट्रूड करना मतलब घुस जाना इंट्रूड करना मतलब घुसपैठ करना डोंट इंट्रूड इंटू माई अफेयर डोंट इंक्रूड इंटू माई प्रॉब्लम्स मेरी समस्या में मत घुसो यू आर ट्राइंग टू इंक्रूड इंटू ए मैटर विच इज नॉट योर्स तुम एक ऐसे मामले में घुसने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारा नहीं है तो उससे बना इंट्रूडर तो इंट्रूडर को उन्होंने अनदेखा किया एक उदासी के तरीके से देखा और अपने काम में लग गए टू एस्केप मतलब नज़र से बचना टू एस्केप मतलब बच निकलना तो विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेंस लाइट जो है जो कांच के काजल का कोयले से काले रंग से लगी हुई थी, लदी हुई थी उस कांच से भी ये रोशनी जो निकल गई जाती थी उस रोशनी को देखकर बहुत से लोग ऐसे भेगा बॉन्ड जो हैं कैसे भेगा बॉन्ड पुअर गरीब तबके के जो लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते थे वो लाइट देख के आ जाते थे इस उम्मीद में कि यहाँ शरण मिलेगी रात में सो पाएंगे गर्मी मिलेगी शरीर गर्म होगा ही लुक द वे पीपल ऑफ़ हिस टाइप यूजुअली डिन और उसने भी उसी तरीके से देखा जैसे इस तरह के आदमी लोग देखते हैं लोगों ने उसको देखा होगा अनदेखा किया अनजाना आदमी था ही और ऐसे बहुत से लोग आते रहते हैं क्योंकि ने कहा है कि पुअर यूज टू कम तो आते रहते हैं तो इन लोहार लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया अनदेखा किया जैसे ही उन्होंने जैसा किया इसने भी वैसे ही दूसरे तरीके से किया जैसा बाकी लोग करते हैं बाकी जो भेगा बॉन्ड्स आते हैं ही लुक द वे पीपल ऑफ हिस टाइप यूजली ट्रैप प्रकार के जो रैट ट्रैप मैन के तरह जो वैगा बॉन्ड जैसा करते थे इसने भी वैसे ही व्यवहार किया सामान्य बर्ताव किया एंड लॉन्ग बियर्ड डर्टी रैगेड उसके लंबी दाढ़ी थी गंदा था फटे चीथड़े कपड़े थे रैगेड एंड विथ ए बंच ऑफ रैट ट्रैप डैंगलिंग ऑन चेस्ट और उसके चेस्ट में लटक रहा था रैट ट्रैप जो उसके पास कुछ थे बेचने के लिए उसने बनाए थे वो रैट ट्रैप डेंगल कर रहे थे डेंगल करना मतलब तो लटकना द दैट मैन इज डेंगलिंग ऑन द वायर ऑन द इलेक्ट्रिसिटी वायर ए वायरल इज डेंगलिंग ऑन द इलेक्ट्रिकल वायर डैंगल करना मतलब तो लटकना लटकते रहना तो उसकी जो उसका जो शरीर था फटे चीतरे कपड़े थे लंबी धाड़ी थी गंदा दिख रहा था और उसके अलावा uh, रैट ट्रैप उसके शरीर में लटका हुआ था तो उसने भी ऐसी अनदेखे जैसे कहा लेकिन ही आज परमिशन टू स्टे उसने फिर रुकने के लिए अनुमति मांगी ही आज परमिशन टू स्टे एंड मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड और उसमें से जो मुख्य लुहार था ना सिर हिला दिया ठीक है नॉडेड ए हॉटी कंसेंट हॉटी कंसेंट मतलब बॉस जैसा हॉटी कंसेंट मतलब बॉस जैसा घमंडी जैसा हाँ ठीक है आ जाओ घमंडी जैसे उसने सिर हिला दिया नॉड करना मतलब सिर हिलाना और उसने ठीक हाँ है क्योंकि इसने पूछा ही आज फॉर परमिशन टू स्टे रुकने के लिए उसने अनुमति मांगी तो जो मोइन लुहार था उसने सिर हिला दिया तो थोड़ा घमंड दिखाते हुए और कंसेंट माने सहमति टू गिव कंसेंट टू सहमति देना I have given my consent to him for joining the picnic. मैंने अपनी सहमति पिकनिक में जाने की दे दी है A haughty consent without ऑनरिंग him with a single word, without ऑनरिंग To ऑनर मतलब सम्मान करना सम्मान से बोलना और बिना सम्मानजनक पूर्व उसने कुछ बोला भी नहीं किसने मुख्य लोहार ने बस सिर हिला दिया हाँ ठीक है रह जाओ और बोलने कभी कष्ट नहीं किया लोहार ने बोलने की भी चेष्टा नहीं की कुछ कहने की भी चेष्टा नहीं की क्यों क्योंकि ऐसा उसके यहाँ हमेशा होता रहता था लोग आते थे लाइट देख के इस उम्मीद में रात में सोएंगे और इस प्रकार ये भी आया तो पूछा इन्होंने कहा ठीक है रह जाओ ही आज परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉट ए हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विथ ए सिंगल वर्ड बिना एक शब्द कहे बिना एक शब्द कहने की चेष्टा किए तो उसने उसको सिर हिला के कहते ठीक है द ट्रैम्प डिड नॉट से एनी थिंग ये जो ट्रैम्प था घुमक्कड़ इसने भी कुछ नहीं कहा आई दर और इसने भी कुछ नहीं कहा आई बना है भी इसने भी कुछ नहीं कहा ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक ट्रैम्प जो है वो वहां बात करने थोड़ी आया था ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप केवल अपने शरीर को गर्मी देने के लिए आया था और सोने के लिए आया था तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं हुई ना लोहार ने कुछ कहा ना इसने कुछ कहा लेकिन हाँ सिर के इशारे से अपनी सहमति मिल जाने पर यह भी चुप रहा यहां तक तो सब ठीक था और इस प्रकार ट्रैम्प को थोड़ी राहत मिली कि चलो अनुमति तो मिल गई रात तो गुजर जाएगी आप याद करिए ट्रैम्प यहां पहुंचा कैसे वो पहुंचा था मेन रोड छोड़कर गली में जंगल की पगडंडियों में घुस गया था और पगडंडियों में क्यों घुसा था क्योंकि उसने तीस क्रोनर अपने पुराने होस्ट के हाथ से चुरा लिए थे तो डर थे कि कहीं पकड़ा ना जाऊँ वो वहाँ गलियों में पगडंडियों में घुस गया और भटक गया भटकते भटकते जब उसे कहीं रास्ता नहीं दिखा तो बहुत समय निकल गया तो अब वो रात गुजारने के लिए शरण में जाता है देखता है तो ये उसको फोर्ज मिलता है आयरन स्मिथ मिलते हैं आदि आदि ये आपको याद रखना जरूरी है यहाँ तक सब ठीक रहा इन दोज डेज

एम्बिशन मैंने लक्ष्य उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था कि बहुत बढ़िया क्वालिटी के उत्तम गुणवत्ता वाले लोहे शिप आउट करेगा बाजार में बाजार में उसके बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले लोहे जाएंगे ऐसा उसका सपना था उसका लक्ष्य था एम्बिशन था उसकी आकांक्षा थी ही वॉश्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल वो लगातार दिन रात नजर रखता था टू वॉच मतलब नजर रखें कि जो काम हो रहा है वो क्वालिटी का हो रहा हो वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल जितना अच्छा काम हो सके उतना अच्छा जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करें अर्थात जितना अच्छा लोहा बना सकते हैं उतना अच्छा लोहा बनाने का वो प्रयास करवाता था और एक नजर रखता था अपने काम पे एंड दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्ज ऑन वन ऑफ दिस नाइट ऑफ इंस्पेक्शन और उसी क्षण वो ऐसे ही नजर रखने के उद्देश्य जैसे आता था तो ऐसे उसी क्षण वो फिर से फोर्ज में आ गया कौन मालिक वन ऑफ द नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन करना मतलब निरीक्षण करना निरीक्षण क्यों करता था यह सुनिश्चित करने के लिए आयरन बनाया जा रहा है उसमें किसी तरह का समझौता ना हो क्वालिटी में समझौता ना हो तो जब तब आके वो पैनी नजर रखता था अपने काम पर अपने कर्मचारियों पर और उसी उद्देश्य से वो रात में पहुंच गया उसी समय जब ये पहुंचा ये ट्रैम्प जब पहुंचा रेड ट्रैप ट्रैम्प जब पहुंचा उसी समय ये भी पहुंच गया मालिक नेचुरली द फर्स्ट नाइट नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल रैगम ए स्वाभाविक रूप से उसकी नजर सबसे पहले किस पे पड़ी फर्स्टिंग सबसे पहली नजर उसकी पड़ी tall ragamuffin पर, ऊंचा पूरा ragamuffin मतलब क्या होता है रेगा महफिन मतलब जो आ, गंदे कपड़ों में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा हो फटे चीतले कपड़ों में जो आदमी दिख रहा हो वो रेगा महफिन का रैग से बना गुदड़िया जिसे हम कह सकते गुदड़िया सब तरफ का बाल अस्त व्यस्त केश अस्त व्यस्त दाढ़ी कपड़े फटे हुए नहाया हुआ नहीं थका हारा दिख रहा है संकन चीख है यहाँ पर लटका हुआ है उसके रैट uh, ट्रैप तो बड़ा एक अजीब आदमी दिख रहा था उसको रेगा मफिन खुलते तो सबसे पहली नजर जैसे ही मालिक अंदर घुसा उसकी नजर इस पे पड़ी ऊंचा पूरा दिख रहा था हुई ईज हिज वे सो क्लोज टू दर्निस टू ईजे मतलब आसानी से रास्ता बना लेना आसानी से पहुंच जाना ईज मने सरलता आसान ईजी आप जानते हैं ना ईजी मतलब सरल दिस क्वेश्चन इज ईजी आई कैन डू दिस क्वेश्चन विथ ईज मैं यह प्रश्न बड़ी सरलता से कर सकता हूँ दिस इज एन ईजी क्वेश्चन एंड आई कैन डू दिस क्वेश्चन विथ ईज आई रीच्ड मुंबई विथ ईज मैं बड़ी सरलता से मुंबई पहुँच गया तो रेगा महफिन को उसने देखा जो बड़ी सरलता से वहां तक पहुंच गया था और इतना ही नहीं सरलता से वहां पहुंच गया फर्नेस के पास और उस फर्नेस के गर्मी के कारण उसके जो कपड़े थे गीले कपड़े वो नमी में जंगल में पता नहीं कितने घंटों से घूम रहा था पसीना भी अलग आ रहा होगा यद्यपि जगह बहुत ठंडी थी लेकिन जब लगातार आप चलोगे तो पसीना आएगा नमी थी कपड़ों में सो स्टीम रोज फ्रॉम हिस्स वेट रैग्स फटे चिथड़े कपड़ों से भाफ निकल रही थी वो भाफ कहां से आ रही थी फर्नेस की गर्मी से उसके कपड़े की नमी उड़ रही थी स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स वेट बने गीला द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स डिड नॉट फॉलो आर मास्टर ने ब्लैक स्मिथ जैसा व्यवहार नहीं किया ब्लैक स्मिथ का उदाहरण का अनुकरण नहीं किया मतलब ब्लैक स्मिथ लोगों ने क्या किया था अनदेखा किया था उदासी दिखाई थी इसने वैसा नहीं किया ही डिड नॉट फॉलो टू फॉलो मतलब करना आगे का कार्य करना He did not follow the example of the blacksmiths. उसने blacksmith जैसा अन्य blacksmith लोहारों जैसा व्यवहार नहीं किया who had hardly deigned to look at the stranger. जिन्होंने uh, stranger को देखने की चेष्टा भी नहीं की To be deigned to चेष्टा करना और stranger मतलब मैंने बताया अजनबी strange मतलब विचित्र strange behavior. I met माई ओल्ड क्लासमेट एंड हिज बिहेवियर वॉज स्ट्रेंज मैं अपने एक पुराने क्लासमेट से मिला जिसका व्यवहार बड़ा अजीब था विचित्र था अजूबा था स्ट्रेंज और उससे बना स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर मतलब अजनबी अनजान व्यक्ति हु हैड हार्डली डीन टू लुक एट द स्ट्रेंजर जिन्होंने स्ट्रेंजर को अनजान व्यक्ति को देखने की चेष्टा भी नहीं की थी ऐसा उदाहरण का अनुकरण वो जो मालिक था उसने नहीं किया अर्थात मालिक ने कुछ और किया मालिक चुप नहीं रहा जैसे लोहारों ने देखा और एक तरीके से अनदेखा करते हुए सिर हिला के बोला हाँ ठीक है सो जाओ और अपने काम में लग गए आयरन स्मिथ के जैसे व्यवहार जैसा उसके मालिक ने नहीं किया ही वॉकड क्लोज टू हिम क्या किया उसने जो मालिक है वो उसके पास तक गया किसके पास स्ट्रेंजर के पास स्ट्रेंजर कौन ये रैट ट्रैप मैन वर्कड क्लोज टू हिम लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली और उसको देखा ध्यान से देखा लुक्ड हिम ओवर पूरा ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा केयरफुली ध्यान से देन टोर ऑफ हिस स्लाउच हैड टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिस फेस टोर ऑफ स्लाउच स्लाउच मतलब झुका हुआ ये भी स्लाउच है ऐसा जो झुक जाते हैं उसे स्लाउच कहते हैं ऐसा झूला भी होता है स्लाउच झूला जिसमें यू कैन स्लाउच ऐसा झुक सके के बैठ सकते हो तो टू टीयर ऑफ मतलब फाड़ देना उधेड़ देना निकाल देना तो ही टोर ऑफ हिस् स्लाउच हैट जो हैट पहना था जो नीचे झुका हुआ था उस झुके हुए हैट को निकाल के उधेड़ दिया हटा दिया और क्यों टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिस फेस ताकि उसको और बेहतर तरीके से देख सके उस आदमी को उसके पास गया देखा और फिर टोपी हटाया और और गौर से देखने लगा बात क्या थी बट कोर्स इट इज यू अरे ये तुम हो नील सुलॉफ ये तुम हो ही सेड एकदम आश्चर्य से उसने कहा अरे नील सुलॉफ ये तुम हो डू यू लुक कैसे दिख रहा हो तुम मतलब मालिक ने रेड ट्रैप मैन को नील्स ओलाफ के रूप में जाना और उसको बोला अरे तुम कैसे दिख रहे हो नील्स डू यू लुक ओह ये तुम हो द मैन विद द रैट ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैम ये जो स्ट्रेंजर था जो रेड ट्रैप मैन था उसने पहले कभी नहीं आयरन मास्टर को देखा था एंड डिड नॉट नो इवन वॉट हिज नेम वॉज और उसको नाम भी नहीं पता था स्ट्रेंजर को अर्थात ट्रैप -ट्रै मैन को नाम भी नहीं पता था और उसने ये इस आदमी को कभी देखा भी नहीं था बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन ही वॉज एन ओल्ड एक्वाइंटेंस फिर आगे बढ़ती है एक और मोड़ आता जैसे का नाम लेते हुए उसने कहा, तुम हो, कैसे दिख रहे हो तो एकदम स्ट्रेंजर जो था उसकी क्या प्रतिक्रिया रही कैसे रिएक्ट किया ए टू हिम दैट डि फाइन जेंटलमैन उसको लगा कि अरे मैं तो जानता नहीं उसको देखा नहीं हूं फिर भी उसने सोचा उसने टू अकर मतलब महसूस करना इट अकर्ड टू हिम फिर उसके दिमाग में आया टू अकर मतलब घटित होना एन इंसिडेंट हैज अकर्ड ऑन रायपुर बिलासपुर रोडवे रोड एन एक्सीडेंट हैज अकर्ड ऑन बिलासपुर रायपुर रोड अकर्ड मतलब घटित होना बट इट अकर्ड टू हिम उसके मन में ये घटित हुआ उसके मन में आया कि यदि ये फाइन जेंटलमैन जो है <coughs> वो यदि उसको अपना एक पुराना परिचित मान रहा है अक्वाइंटेंस मतलब परिचित ही इज एन ओल्ड एक्वाइंटेंस आई नो राम हु इज एन ओल्ड एक्वाइंटेंस ऑफ माइंड मेरा पुराना परिचित है राम इसलिए मैं राम को जानता हूं तो टू बी एक्वाइंटेड विथ मतलब परिचित होना जानना मालूम होना आई एम एक्वाइंटेड विथ कार ड्राइविंग आई एम एक विस मैं इस जगह से परिचित हूँ अर्थात इसका जो 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 टोपोग्राफी तो, तो, है इसकी जो रास्ते हैं यहाँ जो बने हुए हैं उससे मैं वाकिफ हूँ टू बी एक्वाइंटेड विथ मालूम होना परिचित होना जानना और एन मैंने परिचित वह मेरा एक्वाइंटेंस है सो so, एक क्षण तो उसको लगा मैं जानता नहीं हूं उसको कभी देखा भी नहीं हूं ये कौन आदमी है जिसने मुझे नील सोलाफ़ कहा है नाम भी नहीं जानता मैं और उसी समय उसके दिमाग में आया कि अरे अपने को रोक लिया उसने और उसने कहा कि यदि ये इतना शानदार आदमी जो मालिक है इतने प्यार से बोल रहा है कि मैं तुम्हारा पुराना परिचित हूं तो शायद वो मुझे दो चार क्रोनर भी दे दे ही में थ्रो मी। परप्स मैंने शायद थ्रो मी ए कपल ऑफ क्रोनर शायद मुझे दो चार क्रोनर भी दे दे ए कपल ऑफ कपल मतलब होता है जोड़ा हस्बैंड वाइफ का कपल कपल मतलब दो चीज एक साथ हूँ और एक कपल ऑफ मतलब ही कैन गिव मी ए कपल ऑफ क्रोनर मतलब कुछ वहां पर जोड़े का अर्थ नहीं है यहां पर तो वो शायद मुझे कुछ क्रोनर दे दे यदि उसको लग रहा है कि मैं उसका पहचाना हूँ पूर्व परिचित हूं तो शायद मुझे वो क्रोनर दे दे अर्थात जो स्ट्रेंजर है ट्रैप मैन जो है वो उसने कुछ ऐसी भावभंगिमा नहीं की ऐसा नहीं बताया कि मैं नील सोलॉफ नहीं हूं या ऐसा कुछ हूँ ऐसा कुछ नहीं कहा कुछ बोलने वाला था लेकिन रुक गया किस उम्मीद में चुप रहो शायद ये मुझे अपना पूर्व परिचित मानते हुए मुझे दो चार क्रोनर यह भी दे देगा तीन तीस क्रोनर तो वैसे ही लेके आया था किसी के यहां से के यहां से भी कुछ मिल जाएगा दे फोर ही डिड नॉट वॉन्ट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस और इसीलिए उसने उसे कुछ नहीं बताया ऑल एट वंस एक बार में उसे अनडिसीव टू डीव मने धोखा देना अनिव करना मतलब धोखा ना देना देअ नॉट वॉन्ट टू अनु धोखा ना देने वाली बात नहीं की यस गॉड नोज थिंग्स है और उसने क्या कहा उसके बदले कुछ और कहने के बदले ट्रैप मैन बोलता है कि हा 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 आप जो बोल रहे हो कि कैसे दिख रहे हो क्या हो गया है तुम्हें बिल्कुल सही बोल रहे हो गॉड नो थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल भगवान जाने मेरे बुरे दिन आ गए हैं थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल पहाड़ से नीचे उतरने के दिन आ गए हैं पहाड़ का तो यहाँ वास्तव में पर्वत नहीं है पहाड़ का मतलब अच्छे दिन अब नहीं है बुरे दिन आ रहे हैं उतार आ रहा है जीवन में उतार आने लगा है थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल टू गो डाउन हिल मतलब जीवन में उतार आना स्वास्थ्य माई हेल्थ हैज ग डाउन हिल मेरे स्वास्थ्य में गिरावट आई है गिरावट होना उतार आना तो इसने भी हाँ में हाँ मिला दिया किसकी हाँ में मालिक के मालिक ने कहा अरे नील सलॉफ तुम कैसे दिख रहे हो तो एक सेकेंड ये थोड़ा सा हड़बड़ाया मैं कि क्या हो गया कौन नील सलॉफ क्या किसके बारे में फिर उसके बाद अपने को संभालते हुए उसने कहा नहीं नहीं बुरे दिन मेरे आ रहे हैं थोड़ा उतार आया है जीवन में ऐसा क्यों कहा इस उम्मीद में कि शायद दो चार क्रोनर इससे भी मुझे मिल जाएगा तो उसने हाँ में हाँ मिला दिया हाँ मैं बुरे दौर से गुजर रहा हूं यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट अब मालिक कहता है तुम्हें सेना के रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना था ट्रैप को बोल रहा ट्रैप मैन को बोल रहा ऐसा वो ट्रैप को बोल रहा है ट्रैप मैन को बोल रहा है मतलब कि तुम्हें आर्मी से इस्तीफा नहीं देना था रेजिमेंट मतलब आर्मी का एक टुकड़ी उसको एक रेजिमेंट बोलते हैं मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो मालिक है आयरन मास्टर वो इसे कुछ गलत समझ बैठा है इस ट्रैम्प को देख के उसको वो नील्स ओलॉफ अपना पुराना दोस्त समझ बैठा है जो कभी आर्मी में रहा होगा और इसलिए वो कह रहा अरे तुम कैसे दिख रहे हो तुम आर्मी क्यों छोड़ दिया यू शुड नॉट हैव तुम्हें इस्तीफा नहीं देना था सेट द आयरन मास्टर दैट वॉज द मिस्टेक ये तुमने बहुत बड़ी गलती की थी आर्मी से इस्तीफा देके If only I had still been in service at that time, it never would have happened। यदि मैं उस समय नौकरी में रहता जब तुमने इस्तीफा दिया था तो मैं कतई ये होने नहीं देता क्या नहीं होने देता कि नील्स एलोफ का आर्मी से इस्तीफा नहीं स्वीकार करने देता क्योंकि वो तो उसको तो नीलॉफ मान के बैठा था अपना पुराना परिचित मान के बैठा था और परिचित मानते हुए उसने कहा कि यदि तुम आर्मी में रहते तो अच्छा रहता तुमने आर्मी छोड़ी अच्छा नहीं किया इट वॉज ए बिग मिस्टेक और यदि मैं उस समय रहता ना तो तुम्हारा इस्तीफे की सिचुएशन कतई मैं आने नहीं देता अर्थात तुम इस्तीफा नहीं देते मैं स्वीकारता नहीं और फिर आगे कहता वेल नाउ कोर्स यू विल कम होम विथ मी चलो छोड़ो अब तो मेरे साथ तुम घर चलो अब तुम मेरे साथ घर चलोगे नाउ यू विल कम विथ मी अब तुम मेरे साथ घर चलो और ऐसा कहके उसका उसके पास जाता है तो ले चलता। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर एक मोड़ आ रहा है इस कहानी में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है आयरन मास्टर ट्रैम्प को नील्स ओलॉफ अपना पुराना परिचित मान बैठा है और पूरे विश्वास से अब उसको ले जाता है पहली जो घटना हुई थी जिसमें एक होस्ट अकेला था बेचारा उसने भी ऐसे ही विश्वास किया था इस पर और घर में रात सोने के लिए व्यवस्था की थी खिलाया पिलाया था और सुबह ये पैसा लेके भाग गए थे अब यहाँ दूसरी बार आयरन मास्टर ने इसको विश्वास लिया मैं लिया आयरन मास्टर ने गलती से सोचा कि ये मेरा मित्र है पुराना पहचाना परिचित है मित्र नहीं पुराना परिचित है और अब ऐसा मानते हुए वो बोलता है चलो तुम मेरे घर चलो यू विल कम होम विथ मी अब हम अगले पैराग्राफ में अगली सिचुएशन में वहाँ से आयरन मास्टर इसको लेके चल पड़ता है अपने घर यह मानते हुए कि नील्स ओलाफ को मैं ले जा रहा हूँ मेरा पुराना परिचित आर्मी में जो था और उसकी कैसी हालत हो गई है इसको थोड़ा सा राहत चाहिए सो टू गो अप टू द मैनर हाउस मैनर मतलब बंगला टू गो अप अपू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड कॉमरेड मतलब सहयोगी रेजिमेंट के पुराने सहयोगी जैसा इस ओनर के साथ मैनर में उसके बंगले में जाना ट्रैम्प को पसंद नहीं आया दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प टू प्लीज मतलब खुश होना ट्रैम्प को उसमें कोई खुशी नहीं हुई उसे अच्छा नहीं लगा बड़ा अजीब लगा कि मैं ना इसका पुराना परिचित हूं ना मैं इस्तीफा वगैरह कोई है कुछ है और ये मेरे को ले जा रहा है तो बड़ा अजीब लगा अनकंफर्टेबल लगने लगा आप समझते हैं ना कि किसी के घर ले जा रहे हैं तो कैसा लगेगा अनजाने में आ, भले ही आपकी दिक्कत हो आपको ले जाया जा रहा है बट यू विल नॉट फील हैप्पी एट गोइंग टू समबडीज हाउस एंड डिपेंडिंग ऑन हिम सो हियर नाउ दिस मैन नील सलॉफ जो ट्रैम्प था उसको नील सलॉफ मानते हुए आयरन मास्टर उसको ले चलता है अपने बंगले की ओर और, और रास्ते में ये सोच रहा है ट्रैम्प कि ये सब गलत हो रहा है uh, मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है आई डोंट वांट टू गो टू हिज हाउस नो आई कुंड थिंक ऑफ इट ही सेट लुकिंग क्वाइट अलार्म नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट ना न ऐसा सोचा ही नहीं था ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म अलार्म आप अलार्म शब्द समझते हैं टू अलार्म मतलब सजग कर देना अलार्म बेल खतरे की घंटी अलार्म कर देना अपना तो सजग कर देना ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म बहुत ज़्यादा खतरा महसूस किया उसने और मैं ऐसा सोच ही नहीं सकता ऐसा उसके मन में आया ही थाट ऑफ द थर्टी क्रोनर अब उसके दिमाग में वो तीस क्रोनर याद आए जो उसने पुराने घर से चुराए थे टू गो टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल वॉलंटरली इन टू लाइंस डेन मैनर हाउस में जाना सामंत मैनर माने सामंत होता है सामंत कौन था आयरन मास्टर सामंत के घर में जाने का मतलब है अपने को शेर के मुंह में डाल देना डेन मतलब शेर का जो अड्डा होता है उसे डेन कहते हैं तो शेर के डन में डाल देना क्यों ऐसा उसे क्यों लगा क्योंकि उसकी जेब में तीस क्रोनर था कुछ और पता नहीं क्या 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 क्या, -क्या उसके मन में डर आने लगा ही क्रोनर टू गो टू द मानर हाउस वहां तक जाना मतलब वुड बी लाइक का अर्थ होगा वहां तक जाने का अर्थ होगा अपने को थ्रो हिमसेल्फ अपने को फेंक देना कहा हिम मतलब स्वयं थ्रो मान फेंक देना वॉलन्टरली वॉलंटेरली मतलब स्वेच्छा से फेंक देना वॉलंटरली आई हैलेंटियर फॉर क्लिनिंग दिस कॉलोनी रोड ये कॉलोनी की सड़क की सफाई के लिए मैंने स्वेच्छा से अपने को आगे किया है किसी ने मुझ पर दबाव नहीं डाला किसी ने आदेश नहीं दिया मैं स्वेच्छा से करूं आई एम वॉल्टियरिंग मनी फॉर हेल्पिंग द नीडी ज़रूरतमंद लोगों के लिए मैं पैसा स्वेच्छा से दे रहा हूँ किसी के दबाव में नहीं किसी रिटर्न की लालच में नहीं तो वॉल्टियर तो उसने उसको मन में लगा कि ये मैनर सामंत के घर में जाना मतलब अपने को शेर के मुंह में डाल देना स्वेच्छा से वो भी जबरदस्ती कोई फेंक के डाल दे वो बात दूसरी यहां मैं स्वेच्छा से अपने को खतरे में डालू और इसका मतलब ये हुआ कि अपने को खतरे में डाल रहा हूँ मैं यहाँ जाके मतलब वो कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे यहाँ ना जाऊं ही ओनली chance to चांस टू स्लीप the फोर्ज वो तो बेचारा चाहता था कि ये फोर्ज में उसको सोने का एक मौका मिल जाए एंड देन स्निक अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूसली एज पॉसिबल स्निक अवे मतलब चुप चाप निकल जाना टू स्निक डोर दरवाजे को थोड़ा सा खोल के वो बाहर निकल गया वी आर ऑल सिटिंग टूगेदर सडनली मोहन कम्स एंड स्निक इन टू द रूम मोहन आता है और चुपके से कमरे के अंदर घुस जाता है टू स्निकन एस एन ई ए के स्निक तो वो तो चाह रहा था केवल कभी फोर्ज में मुझे एक रात सोने को मिल जाए और अगले दिन सुबह में बिना किसी इनकॉन्सपिक्यूअस बिना किसी की नज़र में आए मैं यहाँ से निकल जाऊँ इन कॉन्सपिक्यूस मतलब नज़र में आना यू आर बाय योर ड्रेस तुमने जो ड्रेस पहनी है ना उसके कारण तुम सबकी नज़र में आ रहे हो सबका ध्यान तुम्हारी ओर जा रहा है यू आर कॉन्स्पिक्यूस बाई हेयर स्टाइल तुमने अपने बाल जैसे बनाए हैं ना? उसके कारण तुम लोगों की नजर में आ रहे हो दिस मैन ट्रैम्प वॉन्टेड टू बी इनकॉन्सपीक्यूस ट्रैम्प चाहता था मैं किसी की नजर में ना आऊं और चुपचाप निकल जाऊं मैं तो भैया इसीलिए केवल यहां आया था कि रात में मैं सो जाऊं ये कहां ये मैनर की ओर मुझे ले जा रहे हैं सामंत क्यों मुझे वहां ले जाना चाह रहा है अरे नहीं भाई वहां जाना मतलब अपने को खतरे में डालना अपने को स्वयं को खतरे में डालना ऐसा दुनिया भर की बातें वो सोचते सोचते आयरन मैन के साथ आयरन स्मिथ के साथ चले जा रहा था द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेस्ड आयरन मास्टर को लगा महसूस किया टू एज्यूम मतलब कल्पना करना महसूस करना आई एज्यूम दैट यू आर अबाउट फिफ्टीन ईयर ओल्ड मैं सोचता हूँ कि शायद तुम पंद्रह साल के हो उम्र में आई एजूम दैट बाई फाइव ओ क्लॉक आई एल बी एट नागपुर मैं सोचता हूँ कि शायद मुझे लगता है मैं सोचता हूँ कि मैं शायद शाम पाँच बजे तक नागपुर पहुँच जाऊँगा तो एज्यूम तो आयरन मास्टर दैट ही फील्ड एमबेस्ट आयर एन मास्टर को लगा कि ये जो ट्रैम्प है जिसे वो नील्स ओलाफ नाम से जानता था उसको बड़ा एंबरेसिंग लग रहा है बड़ा अजीब लग रहा है अनकंफर्टेबल लग रहा है बिकॉज़ ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग और क्यों अनकंफर्टेबल लग रहा होगा क्योंकि इसके बड़े दयनीय जो कपड़े थे मिजरेबल मतलब दयनीय सोचनीय मिजरेबल हिज कंडीशन इज वेरी मिजरेबल उसकी स्थिति जो है बड़ी दयनीय है बहुत ही आ, बुरी स्थिति में है बहुत बुरी स्थिति में होना उसे कहेंगे miserable. I am in a miserable condition, financial condition. मैं आर्थिक दृष्टि से बड़े ही बुरी हालत में हूं तो यहां पर आर एन मास्टर सोच रहा है कि ये आदमी का जो व्यवहार है नील्स ओलफ जिसे वो मान के बैठा है जिसे वो ले जा रहा है अपने घर की ओर इसका व्यवहार थोड़ा शायद इसलिए उसको अजीब कर रहा है क्योंकि खुद फटे कपड़े में है ना रेजिमेंट का वो जवान था अधिकारी था और कहाँ ये उसकी हालत इसलिए शायद वो शर्मा रहा है एम होना मतलब अनकम्फर्टेबल शर्माहट लज्जित महसूस करना तो इसलिए लज्जित महसूस कर रहा बिकॉज ऑफ इज मिजरेबल क्लोदिंग्स प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैनॉट शो यूर सेल्फ अरे मत सोचो यार कि मेरे पास इतना शानदार मकान है कि तुम वहाँ पर नहीं रह सकते ये बातचीत चल रही है तो ची फोर्ज से मैनर तक का जो रास्ता है चलते चलते ये सब सोच और बातचीत चल रही हम अभी पहुँचे नहीं है बंगले और उसकी स्थिति को देखकर कर नानुकुर करती हुई स्थिति को देखकर आयर मास्टर को समझाने की कोशिश करता है अरे मत सोचो यार कि मेरा इतना शानदार मकान है प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच फाइन होम मेरे पास इतना शानदार मकान है कि तुम वहां आ, नहीं जा सकते ऐसी बात नहीं है लज्जित मत हो ही सेड और फिर उसने आगे कहा एलिजाबेथ इज डेड एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है एज यू मे ऑलरेडी जैसा तुमने पहले सुना होगा तुम जानते हो कि अलिदाबद्ध की डेथ हो चुकी है माय बॉयज आर अब्रॉड मेरे बच्चे विदेश में हैं, अब्रॉड माने विदेश एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माय ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ और घर में कोई नहीं है सिवाय मेरे सबसे बड़ी लड़की और मेरे इन दोनों के सिवा और कोई नहीं एक्सेप्ट मतलब के सिवाय एक्सेप्ट माई डॉटर एंड माई सेल्फ देर इज नो वन एट होम घर में कोई नहीं हो तो इसलिए नील सुलोफ शर्माओ मत लज्जित मत हो मेरा कोई मकान भी इतना बड़ा नहीं है कि तुम्हारे जाने से कुछ अंतर पड़े और हम लोग अकेले ही रह रहे हैं इतने बड़े मकान में मैं रहता हूँ और मेरी बेटी रहती सबसे बड़ी बेटी तुमको तो पता ही है कि मेरी पत्नी एलिजाबेथ की डेथ हो गई है मेरे बच्चे बाहर चले गए हैं ये सब बातचीत कौन कर रहा है आयरन मास्टर ट्रैम्प को नील्स ओलाफ मानते हुए बोले जा रहा है और ये सोच रहा है कि नील्स ओलॉफ शर्मा रहा है शायद लज्जित हो रहा है इसलिए फटे चीथड़े कपड़ों के कारण दाढ़ी के कारण अजीब सी जो गंदगी चेहरे में दिख रही है उसके कारण ये लज्जित है इसलिए जाने में हिचक रहा जबकि बात कुछ और थी बात ये थी वो हिचक इसलिए रहा था क्योंकि उसको मालूम था कि ये जो समझ गया कि आयरन मास्टर जो है वो कुछ गलत समझ रहा है वो समझ गया कि उसको लगा कि यदि मैं उसके घर जाऊंगा तो वहां पता लगा कि मैं अपने को एक खतरे में डाल दूंगा लायंस डेन डेन मतलब मैंने बताया अड्डा लायन मने शेर और एल आई ओ एन लायन मने शेर लायंस डेन और एल एन लायन मने कमर एल ओ आई एन लॉ एन कमर तो अब यहां पर देखिए बातचीत चल रही है और ऐसा चलते चलते चले जा रहे हैं और फिर आगे कहता है वी आर जस्ट डोंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस वी आर जस्ट से हम लोग अभी बस बात कर ही रहे थे कि ये बड़ा खराब है कि क्रिसमस में इस बार हमारे यहाँ कोई नहीं है कोई कंपनी नहीं है कोई आया नहीं है हम लोग बात कर ही रहे थे मतलब कौन लोग आर मास्टर और उसकी जो ओल्डेस्ट डॉटर थी उसमें उनके बीच में बातचीत हुई थी कि अरे देखो क्रिसमस आ रहा है घर में कोई नहीं है आमोद प्रमोद मज़े से क्रिसमस मनाएं बड़ा बोरिंग होगा इट वॉज टू बैड बहुत खराब बात यह बहुत खराब है दैट वी डोंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस कि क्रिसमस के लिए हमें किसी की कंपनी नहीं मिल रही है